मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि फिलहाल मेरे जो सुबह हो गई है वो कब का हो चुके हैं, नहा धो लिया है और अब चीकू भी उठ गया है, वहाँ का झाड़ू पोछा भी हो गया है कमरे का, लेकिन अब मैंने खाना नहीं बनाया था, अब बना रही हूँ खाना। चीकू की मैडम बोल रही थी उसके लिए रोटी भेजने के लिए, मैं रोटी भेजती हूँ लेकिन वो खाता कभी नहीं है, लेकिन अगर वो बोल रही है तो भेज देती हूँ रोटी, क्योंकि वो बोलती है कि फ्रूट जो लेके आता है खाता नहीं है और फिर ये सब फेंक देता है इधर से उधर, इसीलिए तो मैं सबके लिए बना रही हूँ। एक तो प्याज की भुर्जी सबके लिए बना रही हूँ और यहाँ बन रही सबके नाश्ते के लिए रोटियाँ, लेकिन चीकू के लिए मैंने कर रखा एक आलू बॉईल, अब मैं इसके लिए बनाऊंगी एक आलू का पराठा और यह है गाँव का घी थोड़ा सा, ये लगा के बनाऊंगी पराठा। अगर वो खा के नहीं आया तो फिर मैडम के खैर नहीं, लेकिन उसकी मैडम बोल रही थी तो मैं भेज देती हूँ। तो सारा बनाती हूँ खाना वाना, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है और 10 बजे चीकू को भेजना है, तो बस यही है और 9:30 ऑलरेडी हो चुका है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ टाइम हो चुका है 10:30 का, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अब मैं फटाफट, मम्मी बोली थोड़ा सा कॉफ़ी बना दे, तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी मम्मी के लिए अपने लिए, फिर उसके साथ साथ ही नाश्ता भी कर लूँगी। महेंद्र गए हैं अभी नहाने के लिए और चीकू चले गया है अभी अभी जस्ट स्कूल, उसके स्कूल के रखा था मैंने आलू का पराठा, और अब मैं फटाफट बनाती हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी अपने और मम्मी के लिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 11 का, 11:10 हो चुके हैं और मैं बैठी हुई हूँ। अभी तक बाहर धूप में बैठी थी, इतनी धूप है बाहर, सच में दिसंबर ख़त्म होने वाला था तब सर्दी आ रही थी और अब फरवरी आ गया है और सर्दी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सर्दी ख़त्म होने वाली है। स्वेटर देख रहे हो आप, इसमें मैंने मजबूरी से पहन रखा है क्योंकि एकदम से हाफ भी नहीं पहन सकती, बस बीमार पड़ जाऊँगी वरना, यही है। और महेंद्र ने भी नहा लिया, नाश्ता हम सब ने कर लिया है, और कल क्या था, मैं 8 तारीख ना प्रपोज डे था ना कल, बस तो हम कोई भी दिन नहीं, कोई भी डे नहीं मनाते, कल के दिन में हमारी जो भी है ना सगाई हुई थी, प्रपोज डे के दिन हमारी सगाई, मेरी और महेंद्र की सगाई हुई थी, तो तब भी इन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, आज तक कभी भी, शायद से पहले भी मैं कभी, मतलब कभी भी मैंने ये दिन नहीं मनाया, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ये फालतू के डे आज तक मैंने एक भी नहीं मनाया। फालतू नहीं, मतलब जो मनाता है उसके लिए तो अच्छा ही है, बट हम लोग मनाते ही नहीं हैं। और इतने बोरिंग दिन आ गए, इतने बोरिंग दिन, मम्मी बाहर धूप सेक रही है अभी भी, मैं नहीं बैठ रही बाहर, मेरे बस की नहीं है, बहुत तेज़ धूप हो रही है और इतने बोरिंग दिन आ गए ना मैं कि क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ इन बोरिंग दिनों के बारे में, बस यही है दोस्तों। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, चीकू स्कूल से आ जाएगा और रात दिन में मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी सब्जी, क्योंकि कल रात भी मैंने चावल खाए हैं और कल दिन में भी मैंने चावल खाए हैं, जबकि शुगर में चावल मना होते हैं, लेकिन आज मैं नहीं खाऊंगी चावल, आज मैंने सोचा कि आज मैं खाऊंगी रोटी, तो आज सबके लिए बनेगी रोटी, पालक और आलू की सब्जी, और आलू ये लोग खाएँगे, पालक मैं खाऊँगी, तो बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया माही, 12:30 होने वाले, 12:30 का टाइम हो गया है और मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं अंदर रख रहा हूँ मेरे को ये पानी, क्या बोलते हैं इसको, वाटर बैग, इसको बना, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे तो लग रहा है स्वेलिंग भी आ रही है, पता नहीं, और दोनों पैरों में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो सुबह का नाश्ता वास्ता सब ने कर लिया था, मैंने दिन में मम्मी से बोला कि मेरे से तो नहीं बनेगा खाना, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है खड़े भी होने की, क्योंकि इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो, दोनों पैरों में हो रहा है, और घुटने के अंदर होता है ना वो वाला दर्द हो रहा है, फिर पैर में हो रहा है पूरा थाइस से लेके नीचे को, तो सब ये दर्द हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई मिलने, परेशान से हो गई मैं घर में रह के, कोई यहाँ आना चाहता तो आ सकता है हमारे घर, हमारी बोरियत हटाने के लिए और बीमारी दूर करने के लिए। तो दोस्तों यही है, अब थोड़ा सा इसको सिकाई करती हूँ मैं, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया है मेरा चीकू और गोलू, जल्दी कर दे यार बेटा, गोलू ने मम्मा मेरे पर ये रखा हुआ है, मेरे पैर के ऊपर दर्द हो रही है मम्मा को करके, मम्मा देखो, हाँ ये चैतन्य का है, ये देखो मम्मा, ये देखो बोतल, हाँ ये बोतल भी है, पीना नहीं पीते बेटा, ठंडा पानी है ना, हाँ।
ये कैसे पानी पी रहा है यार। तो कुकु पराठा किसने खाया आपका स्कूल में? किसने खाया खाना आपका? कुची। रोटी किसने खाई? किसने खाई? चैतन्य ने खाई। गोल तो आपने खाई? किसने खाई? ढक्कन है। हाँ मुंह में डालते। ये ढक्कन। हाँ ढक्कन है। ये देखो ये मल पेड़ों पेस पल। बताओ बताओ आपका पराठा किसने खाया? जस जस बोल रहा है। देखो बता ना आपको पराठा किसने खाया? दर्द हो रही पैर में। दर्द हो रही पैर में। कर। हाँ डकार मारी ना आपने। आपका पराठा किसने खाया बताओ? पराठा किसने खाया? पराठा किसने खाया? पराठा किसने खाया? उच अब देख मैं कैसे इसको मत कर बेटा। तो दोस्तों टाइम हो रखा 4 बजे का और मैंने यहाँ पे मैं पूरा पैर बांध रखा है। देखिए इसको बांधने थोड़ा सा आराम मिल रहा है और बस अब भूख भी लग रही है। दिन में कुछ भी नहीं खाया है हमने, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने, हमने किसी ने कुछ नहीं खाया है। अब क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। देखती हूँ क्या बनाऊँ और बनाती हूँ। और चीकू बोल रहा है फ़ोन मांग रहा है तो चीकू को फ़ोन दे देती हूँ। मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही ब्लॉगिंग करने की और पैर बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहा ढंग से। चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। अब चीकू को मैं दे देती हूँ फ़ोन, बाद में आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7 बजे का और मैं रात को बनाने वाली हूँ आज खाने में छोले, सफ़ेद वाले छोले और हरी सब्जी। और पैर में का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। और कभी भी ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं कभी रेस्ट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। चाहे मेरे सर में दर्द होगा, कुछ भी होगा, मैं सोऊंगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए और काम करती रहूँगी। बट आज एक ऐसा दिन है, मैंने रियलाइज़ किया है कि मतलब मैं बिल्कुल बेड से हिल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है एक पैर में, लेफ्ट साइड में दर्द है, ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और जब तक मैं बैठ रही हूँ ना तब तक ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, जैसे ही मैं कुछ काम कर रही हूँ, चल रही हूँ, ये इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, अभी मैंने चने बॉयल करने के रखे हैं, लहसुन वगैरह सब कुछ कर लिया है, सारा सामान तैयार कर लिया है, प्याज टमाटर वगैरह काट लिया है। इतने में ही मेरे पैर में इतनी दर्द हो गई, फिर मैं आई थोड़ा देर बेड में बैठी। अब हो गया 7 बजे बजने वाले हैं, अब मैं फिर जाऊँगी तो सब्जी बना के फिर आकर थोड़ा देर बैठ जाऊँगी। और यही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे पैर में, पैर में बहुत दर्द हो रहा है मेरा आज। और महेंद्र लेके गए चिकू को पार्क, क्योंकि वो बोल रहा था पार्क, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, डॉक्टर के पास चल, डॉक्टर के पास चल। बट मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं जाऊँगी, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता डॉक्टर के पास बार बार जाना। मैं सोच रही हूँ अगर सही नहीं होगा तो ठीक भी है, अगर आज से हो जाएगा तो ठीक है। और बहुत अलग, मेरे पैर में पहले दर्द होता था लेकिन आज बहुत ज़्यादा वाला पेन है, बहुत ज़्यादा, मतलब सूज गया पैर, लिटरली पैर सूज गया है। अब मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। सुबह मैं नहाया तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे 10:30-11 बजे से ये स्टार्ट हुआ और अब तक 7 बज चुके हैं, कंटिन्यूसली लगा हुआ है। बैठ रही हूँ तो कम हो जा रहा है और चल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बस यही है, अब मैं बनाती हूँ खाना रात का। और क्योंकि दिन में कुछ नहीं खाया है, मैंने भी नहीं खाया, महेंद्र ने भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया है, और रात को बनाती हूँ सबके लिए छोले और हरी सब्जी। पापा भी ऑफिस गए हुए हैं अभी और मम्मी भी उधर बैठी हुई है। बस यही है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे बना रही हूँ हरी सब्जी और यहाँ पे बना रही हूँ मैं छोले जो मैंने बताया था आपको, और हरी सब्जी जो है पालक, ये धो के बॉईल करके निचोड़ के रख दिया है क्योंकि मैंने बाद में बहुत ज़्यादा पानी आता है। और ये छोलों के लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, ये हमारे छोले। अब इसके बाद
ये मैंने निकाल रखा है चीकू के लिए एक कटोरा और एक कटोरा खुद के लिए चने बॉईल करने के। और अब बनाऊंगी खाना और अपने लिए मैंने चने निकाल के खाया नहीं ना, भूख से लग रही है। तो फिर चीकू को पार्क से आएगा उसको खिलाऊँगी, फिर मैं भी खा लूँगी। और अभी थोड़ा सब्जी बनाती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ।